अपना इच्छा को परमेश्वर का इच्छा में चलने के लिए प्रयास किया था, धार्मिकता का पात में अहिंसा और शांति सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख चौधरी और साधु पर आधारित इस कॉमिक बुक का लोकार्पण करें और इस चाचा चौधरी और साधु की जो मुख्य किरदार है उसको लेकर के स्वच्छ अरुणाचल का जो लक्ष्य है हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं उस पर बहुत ही शानदार एक कॉमिक बुक तैयार किया है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन अरुणाचल प्रदेश की ओर से। तो आज अगर हम बाहर में जाके सराउंडिंग को झाड़ू मारता है, लकड़ी को फाड़ता है, जब मार्केट में जाके हम सब सफाई करता है तो हमको शर्म लगता है, क्योंकि हम सोचता है कि छोटा काम है। अगर हम इसको छोटा काम अगर मानता है तो हमारा माँ ने सब कुछ किया, पिताजी ने सब कुछ किया, तो क्या वो माँ कुक था, लेबर था, झाड़ू वाले थे? ऐसा तो नहीं होता है। और आज के डेट में भी मैंने देखा कि हमारा सोसाइटी में क्या सोच है। अगर घर में काम करेगा एप्रिसिएशन मिलता है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की है। वही सेम बच्चा अगर बाहर में जाके पत्थर को तोड़ेगा, झाड़ू मारेगा, जंगल साफ करेगा तो लोग टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना लेते हैं। इसलिए मैंने बोला कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हम साल भर में 365 डेज में एक दिन काम करेगा, साफ सफाई करेगा, इससे हमारा देश, हमारा गाँव, हमारा शहर, सिटी साफ होने वाला नहीं है। अगर हम सचमुच में साफ सफाई देखना चाहता है गांव में, घर में, शहर में, अपना देश में, तो एवरीडे का प्रैक्टिस होना चाहिए, ये आदत बनाना पड़ेगा। सर, आपने अपने स्पीच में मेघालय का एग्जांपल लिया था कि मेघालय में एक विलेज है, वो घर के बाहर सब अपना अपना घर के बाहर सफा करता है। सर, तो आपका सर अरुणाचल में क्या अपील है अरुणाचल के लोगों से? नहीं, अरुणाचल लोगों को मेरा अपील यही है कि सबसे पहले आप बहुत ऊपर में मत सोचिए, हम सबको सबसे पहले अपना घर से स्टार्ट करना चाहिए। वो घर में भी अपना बॉडी से स्टार्ट कीजिए। अगर हम डेली रोज़ नहाता है तो मेरा आदत बन गया, हमको नहाना ही पड़ेगा। और अगर कोई लोग शायद 5 दिन 10 दिन तक नहीं नहाता होगा तो वो कैसा फील करता है। तो हम अपना घर को पहले साफ़ करते हैं, घर नीट एंड क्लीन करने के बाद में, अपना सराउंडिंग नीट एंड क्लीन के बाद में हम अपना गाँव के बारे में सोचते हैं। हमने अपना गांव को साफ सफाई कर दिया, क्लीनेस्ट विलेज बना दिया, तो हम अपना एरिया, अपना डिस्ट्रिक्ट, देन स्लोली स्लोली जाके हम अपना स्टेट वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट भी बना सकता है। लेकिन इसमें सबका एफोर्ट चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, एक दो आदमी से होता नहीं है। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर बोलते रहेगा हम स्वच्छ भारत मिशन इसको
प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। स्टेट का चीफ मिनिस्टर, स्टेट का मंत्री या कोई भी लीडर्स, वो बोलते रहने से नहीं होता है। सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब पार्टिसिपेट करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सर, ये स्वच्छ भारत मिशन अविका ने लास्ट कई साल पहले इसका लॉन्च किया गया था है, तो आप यूडी मिनिस्टर भी है, अभी तक का स्टेट में इम्प्रूव क्या है सर कैपिटल में बेस? देखिए, जो 2014 सेकेंड ऑफ अक्टूबर गांधी जयंती का दिन में ही हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये मूवमेंट लॉन्च किया था। ये मास मूवमेंट है, नेशन वाइड का मूवमेंट है। तो उसका बाद में हम लोग अपना अपना स्टेट्स में अपना डिपार्टमेंट है, यूडी का डिपार्टमेंट, हाउसिंग का डिपार्टमेंट, या आईएमसी बोली है, अर्बन लोकल बॉडीज हमारा पास में है। इसमें मैंने थोड़ा पहले भी कहा है कि हमारा पास में कितना वर्क फोर्स है, जो सैनिटरी वर्कर्स है 100-150 से ज़्यादा नहीं है। हमारा जितना भी नोटिफाइड अर्बन टाउन है, अरुणाचल में 47 है, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या नोटिफाइड अर्बन टाउन में 5 to 6 ही वर्कर है हमारा। तो अगर 5-6 लोग साफ करने वाला है, 100 लोग साफ करने वाला है, हम ईटानगर नाहरलगुन में 1 लाख पॉपुलेशन है, हम लोग कचरा को फेंकते रहेगा और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 100 आदमी ईटानगर नाहरलगुन को साफ करो, वो कभी नहीं होने वाला है। हम भी मदद करना चाहिए, सरकार को, डिपार्टमेंट को मदद करना चाहिए। मदद हमारा क्या होता है कि आप डिसिप्लिन लाइफ जिए, आप कचरा को मत फेंकिए, आपने कुछ बाज़ार में जाके कुछ खाने पीने का चीज़ लिया है तो जो पेपर होगा, बैग होगा, खाली होगा, आप अपना घर में लेके जाइए, या डेजिग्नेटेड प्लेस होगा डस्टबिन फेंकने का, उसमें फेंक दीजिए। मैंने ये आपका भूटान का एग्जांपल दिया था। भूटान में क्या प्रैक्टिस है, जितना भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है, सब बच्चा लोग का पास में वो बैग होता है, कचरा का बैग होता है। तो जाते समय में रोड साइड में जो भी छोटा सा भी पीस ऑफ पेपर भी होगा तो उसको बच्चा लोग उठा के लेके जाता है। फिर आते समय में स्कूल से जब घर को लौटते हैं उस समय में भी वही करते हैं। उसका बाद में कहीं एक जगह होगा, डस्टबिन होगा, उसमें फेंकते हैं। तो ये बच्चा लोग को टीचर भी नहीं बोलता है, पेरेंट्स भी नहीं बोलता है, क्योंकि आदत बन गया। तो हमको आदत बनाना चाहिए। सर, कैपिटल में फाइन सिस्टम का जो स्पाइक करने वाला, टूटने वाला रास्ता में फाइन सिस्टम का कुछ लॉन्च किया था, जो जो कचरा फेंकता है रोड, तो इसका क्या अपडेट है सर? नहीं, उसका देखिए वही जाके वही चीज़ में आता है कि आप अपना जो सोच विचार, आपका माइंडसेट कैसा है। अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइन पेनल्टी इम्पोज करो, कोई भी ठुकेगा, कोई भी कचरा फेंकेगा, उसको पेनल्टी होना चाहिए। तो पेनल्टी तब ही लगेगा जो कोई देखने वाला होगा, मान लीजिए कि पुलिस पर्सनल होगा, या हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़ का या आईएमसी का कोई स्टाफ होगा। तो हमारा पास में 500 ही बोल लीजिए, हमारा पास में पुलिस पर्सनल 500 से, यहाँ में अगर लाख होता है तो हर कोई सिटीजन का पीछे पुलिस नहीं जा सकता है, हर कोई सिटीजन का पीछे, पब्लिक का पीछे पीछे हमारा स्टाफ कोई भी नहीं रहता है, तो वो करना मुश्किल है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कोई भी चीज़ में, तो हम सब खुद ठीक होना पड़ेगा। कहीं में चोरी होता है, डकैती होता है, कुछ हो गया तो पब्लिक क्या बोलता है कि सरकार क्या कर रहा है, चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, मंत्री क्या कर रहा है, होम मिनिस्टर क्या कर रहा है, IGP, DIG, SP, OC क्या कर रहा है। तो हमारा स्टेट में 15 लाख पॉपुलेशन है, मान लीजिए आज के डेट में, तो हमारा पास में कितना पुलिस फोर्सेस है, हो सकता है कि 8,000 होगा, 10,000 होगा, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सिटीजन के पीछे कौन क्या करता है सुबह से लेकर रात तक, तब तो एक एक पीछे में एक पुलिस पर्सनल लगाना पड़ेगा, ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। सो लेट अस चेंज अवर माइंड सेट, डिसिप्लिन आवर सेल्फ टू मेक इंडिया क्लीन एंड प्रोग्रेसिव स्टेट, आई मीन द कंट्री। जितने भी सैनिटरी वर्कर हैं IMC के, देखे गए हैं कि कोई लोग हैंड ग्लव यूज़ नहीं करते हैं प्रॉपर तरीका से, उन लोगों जितने भी जो सैनिटरी वर्कर हैं देना है उनको नहीं दिया जाते, तो इसके विषय में आप लोग कुछ कर रहे हैं? हाँ, देखिए मैं मंत्री हूँ, लेकिन मेरा पास में UD का अर्बन डेवलपमेंट का चीफ इंजीनियर है, हाउसिंग का डायरेक्टर है, अर्बन लोकल बॉडी का डायरेक्टर है, टाउन प्लानिंग का डायरेक्टर है, उसका बाद में IMC है, हेडेड बाय मेयर एंड कॉरपोरेटर्स लोग है वहाँ। तो हम लोग परिवार में मान लीजिए कि एक जिम्मेवारी दे दिया कि भाई क्या करना है, बड़ा भाई क्या करना है, माँ को क्या करना है, पिताजी को क्या करना है। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्लोब के बारे में, ऐसा
कोई भी मेरे पास में तो नहीं आया, देना चाहिए, अगर नहीं देता है तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मेरा नॉलेज में, क्योंकि ये सब्जेक्ट नीचे लेवल में हो जाता है, अपना अपना जुरिस्डिक्शन में होता है, तो हम लोग पॉलिसी मेटर में ज़्यादा देखता है, तो हमारे पास में कुछ आ गया तो डेफिनेटली हम लोग टेक केयर करेगा। स्वच्छता पखवाड़े और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमने आज स्वागतोन और क्लीनिंग ड्राइव लॉन्च किया ईटानगर के अंदर, और ये हम प्रण लेते हैं कि हम जो है इस शहर को, इस स्टेट को और इस राष्ट्र को साफ रखेंगे। जैसा कि हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे सभी जो नागरिक हैं, इस शहर के नागरिक, इस राज्य के नागरिक और भारत के नागरिक, ये प्रण लें कि वह शहर को या राष्ट्र को या स्टेट को गंदा नहीं करेंगे। सफाई करना एक बात है और साफ रखना दूसरी बात है। तो सबसे बड़ी सफाई तब आती है जबकि हम सभी नागरिक अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को, अपने स्टेट को, अपने राष्ट्र को साफ रखें। तो मेरा सभी से आग्रह है, ईटानगर वासियों से, अरुणाचल के सभी नागरिकों से, कि वह अपने अपने क्षेत्र को, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को, विलेजेस को, शहर को साफ रखें, गंदगी ना करके, और सफाई भी करें, जहाँ गंदगी उसके सफाई भी करें, लेकिन पहला कदम जो है साफ रखने की दिशा में यह है कि हम अपने आप से अपने क्षेत्र को गंदा ना करें।